राम राम सभी भाइयों ने, मैं आपका दोस्त राहुल हाजीपुरिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं जिन बच्चों से मिलाने जा रहा हूँ वो बच्चे बहुत ही गरीब हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं और अपना जो गुजारा करते हैं वो कूड़ा बीन के करते हैं। मैं अभी जा रहा था, मैंने रास्ते में देखा, सोचा इनसे बात करूँ। आइए इनसे बात करते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। आपका क्या नाम है? धीरज कुमार। आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार, तो आप, मैंने देखा कि आप यहाँ पे इधर जंगल में, देखना इधर को दिखाइए कैमरामैन, इधर जंगल में कूड़ा बीने थे आप ये खड़े हैं, रिक्शा आप लोगों के ही है? अच्छा, तो आप ये जो रास्ते कूड़ा फेंकते हैं सब यहाँ से आप मतलब कूड़ा बीनते हो? बोतल उतल बीनते हैं। तो कूड़ा क्यों बीनते हैं? आप पढ़ाई नहीं करते हैं? पढ़ाई नहीं करते हैं, मजबूरी है। पहले पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करते थे कौन से स्कूल में? प्राथमिक विद्यालय बासपिंडा। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते थे, फिर उसके बाद में आप कूड़ा छूने लग गए, क्यों? घर में माँ बाप नहीं है? माँ बाप मजबूरी है इसलिए आए हैं कबाड़ा बीनने के लिए। मेरे पापा विकलांग थे इसलिए मुझे करने पड़ रहे हैं। पिताजी विकलांग है, तो कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली आपको? जैसा कोई सरकार जो आपको सुविधा देती है वो नहीं मिल पाई? अभी नहीं मिला है। अच्छा, तो और आपके साथ में? सरकार पैसा ही नहीं देती है। नहीं, सरकार पैसा क्यों देगी आपको? सरकार तो पैसा इसलिए देगी ना जो आप अच्छा काम करोगे, घर में कोई परेशानी नहीं उसी को सरकार जब देती है पैसा। सरकारी थोड़ा कह रहे कूड़ा चुगो आप, मजबूरी क्या चीज़ है आप जो आप कूड़ा चुग रहे हैं? मजबूरी ऐसी है कि कैसे कूड़ा छोड़ रहे हैं, मतलब घर में कोई कमाने के लिए नहीं है, मतलब घर में बड़े आप ही हो? नहीं, और मैं बीच का। अब बीच के हूँ, बाकी सब लोग क्या करते हैं? दूसरे लोग ऐसे घर में रहते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। और आपके सर, आपके साथ में मतलब आपके कपड़े जो सूखते हैं आप किस लिए मतलब काम करते हैं? अपने बड़ा भाई के लिए। बड़े भाई के लिए? बड़ा भाई बीमार रहता है क्या? मैं ही बड़ा भाई। अच्छा, आप ही बड़े हो, मतलब घर में आप ही बड़े हो, तो बाकी मम्मी पापा कुछ काम करते नहीं है? करते हैं, गोदाम पे रहते हैं, माल छाटते ले जाते हैं। गोदाम पे माल छाटते हैं, मतलब जो कूड़ा आप ले जाते हो वहाँ पे छाट बिन के आगे सप्लाई करते हैं, मतलब बेच देते हैं। ठीक है, और आपके साथ में भी ऐसा ही है? हाँ। तो जो आप ये कूड़ा बीनते हो उससे आपका परिवार का मतलब चल जाता है? बहुत अच्छा से। बहुत अच्छा से, मतलब एक दिन चल जाता है, दूसरे दिन का फिर सोचना पड़ता, फिर आते हो? हाँ, सोचना पड़ता है कि सुबह हमें फिर वही काम करना है, कबाड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा, ये भी सोचना पड़ता है कबाड़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों? किसी का तो काम रहता है तो काम से कर लेता है कबाड़ा, हम लोग तो काम भी नहीं घूरते रहते हैं। अच्छा, गली गली में? हाँ। जो बाकी जो गाड़ी है, सुना मैंने सरकार गाड़ी बेचती है गली गलियों में जाती है कूड़ा लेने के लिए, तो उससे फर्क पड़ा तुम्हारे लिए भाई? अब कूड़ा मिलता नहीं मिलता चुगने के लिए? वही सब दिन लग चल जाता है तो हमारा नहीं होता है ना, गाड़ी वाला कूड़ा ले लेता है, हम लोग पूरा कूड़ा ले लेता है, हम लोग माल ढीला हो गया, यहाँ भी देखो कूड़ा नहीं। अच्छा, मतलब समस्या ये बोर्ड, देखो बोर्ड लगा दिया है, बोर्ड तो लगा हुआ तो दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कूड़ा डालना सख्त मना है। हाँ। लेकिन जो यहाँ पे कूड़ा डाल देते हैं बोतल होता है, उससे अपना गुजारा चल जाता है आपका। हाँ। तो रोज का मतलब यही काम है। हाँ। तो पढ़ाई करना चाहते हो? अगर सरकार से पूछा जाए, सरकार पूछे आप पढ़ाई करोगे? आप करेंगे? और आप? हाँ, करेंगे। आप भी? हाँ। तो ऐसा कुछ ना कर जाए कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी कर लो, उसके बाद छोटा मोटा जो आप काम करो उस पर ध्यान दे जाए, अपने मम्मी पापा से बोलो चीज के बारे में, थोड़ा और बड़ा होने दो काम करेंगे, थोड़ा और बड़ा होने दो। फिर पढ़ाई कब करोगे? अभी सरकारी स्कूल में सुविधा बढ़िया नहीं मिलता है इसलिए नहीं जाते हैं। तो सरकारी स्कूल में कहाँ, गांव में पढ़ते थे या यहाँ पढ़ते थे? गांव में। अच्छा, गांव में। गांव कहाँ पे? बिहार है। हाँ। तो गांव बिहार है, गांव में सुविधा अच्छा नहीं मिलता है। और आपका सर, आपका भी, आपका भी ऐसा ही है? हाँ। तो बताइए, तो दोस्तों आप देख ही रहे हो इस तरीके से बच्चे जो हैं बिहार से रहने वाले हैं, यहाँ पे प्रवासी मजदूर की तरह काम करते हैं और इनके जो माँ बाप है बहुत ही गरीब है, किसी का भाई का कोई परेशानी है, इसके पापा विकलांग हैं, सरकार से कोई मदद नहीं मिल पाई बिहार में, तो इसलिए नोएडा में रहते हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर जो छोटा मोटा काम मिलता है वो कर लेते हैं और अपने परिवार को आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं आपका दोस्त राहुल हाजीपुरिया आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं, नमस्कार।